बॉलीवुड की तमाम नामचीन और मशहूर एक्ट्रेसेस एक एक करके शादी के बंधन में बंध रही हैं, तो अब बचा कौन। जी हाँ, कियारा आडवाणी ने भी सात फेरे ले लिए हैं और वो बन गई हैं मिसेस सिद्धार्थ मल्होत्रा। कियारा का करियर अभी कह सकते हैं कि बहुत टॉप पे है, बॉलीवुड की टॉप 5 एक्ट्रेसेस में उनकी गिनती होती है और शेरशाह और कबीर सिंह जैसी फिल्मों ने जो है उनके करियर को एक अच्छा मुकाम दिया। लेकिन इसके बावजूद कियारा जो है उन्होंने शादी कर ली है और वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के संग सात फेरे लेने के बाद मिसेस सिद्धार्थ मल्होत्रा बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि कियारा ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर के टॉप पर जो है शादी रचा ली। इससे पहले आलिया भट्ट ने भी कुछ ऐसा ही किया। आलिया भट्ट के बारे में कहा जाता है कि उनके कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग थी कि वो अपने करियर के टॉप पे जो है शादी कर लेंगी। शादी के 2 महीने बाद उन्होंने प्रेगनेंसी का भी ऐलान कर दिया और उन्होंने आनन फानन में शादी क्यों की, इस पर भी सोशल मीडिया में जो है काफ़ी बातें हुई। आलिया भट्ट का भी करियर कह सकते हैं कि इन दिनों जो है काफ़ी अच्छा चल रहा था। साल 2022 में उन्होंने 4 फिल्में दी और 4 हिट रही, लेकिन इसके बावजूद वो शादी के बंधन में बंध गई और बहुत जल्द जो है माँ भी बन गई। दीपिका पादुकोण ने भी अपने करियर के टॉप पर जो है शादी रचा ली। आपको बताएं कि उन्होंने रणवीर सिंह के साथ शादी की और फिर जो है शादी के बाद जो है उन्होंने पठान जैसी फिल्म में काम किया और आपने देखा कि क्या खूब काम किया है दीपिका ने। फिल्म पठान में जो है उनकी एक्टिंग ही नहीं उनके हॉटनेस की भी काफ़ी तारीफ हुई और कहीं ना कहीं फिल्म को हिट कराने में दीपिका का भी अच्छा खासा योगदान रहा। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने करियर की बुलंदी पर जो है शादी रचा ली। आपको बता दें कि उन्होंने निक जोनस के साथ जो है साल 2018 में शादी रचाई थी और उन्होंने भी राजस्थान को अपनी शादी के लिए चुना और कह सकते हैं उनकी जो शादी थी वो साल 2018 में दुनिया भर की जो शादियां हैं उसमें दूसरे नंबर पर रहीं और उन्होंने अपनी शादी को स्पॉन्सर भी कराया था और उनकी शादी की तस्वीरें एक मैगज़ीन में छपी थी। इसके अलावा आप देखें तो सोनम कपूर का भी करियर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी शादी कर ली और अब तो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी हैं। तो बॉलीवुड में एक के बाद एक जो है सारी एक्ट्रेसेस, जितनी भी नामचीन एक्ट्रेसेस थी उन्होंने शादी कर ली। इसी तरह जो है आपको बताएं कि 2021 में कटरीना कैफ ने विकी कौशल से शादी करके सबको चौंका दिया था। अचानक से उन्होंने अपनी अफेयर को पहले छुपाए रखा, फिर उन्होंने शादी को भी छुपाए रखा और फिर जो है जब वहाँ उनका पूरा परिवार पहुँचा और जब वहाँ के जो है राजस्थान के एक पैलेस में अचानक से गहमा गहमी बढ़ी, तब पता चला कि कटरीना कैफ की शादी हो रही है और विकी कौशल के साथ शादी करके कटरीना जो है काफ़ी खुश है। वहीं उनका फिल्मी करियर भी चल रहा है। देखा जाए तो बॉलीवुड की सभी नामचीन एक्ट्रेसेस जो हैं अब मैरिड हैं, तो अब जो है बॉलीवुड में बच गई हैं जाह्नवी कपूर, सारा अली खान, कृति सेनन और श्रद्धा कपूर। तो क्या अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को इस बात की चिंता नहीं कि शादी जो है उनके करियर में बाधा पहुंचा सकती है, शादी के बाद जो है उनकी लाइफ बदल सकती है, उनका फिल्मी करियर बदल सकता है। लेकिन लगता है दीपिका पादुकोण ने जिस तरह से काम किया है उसके बाद लगता है कि बॉलीवुड में जो है अब शादी कोई परेशानी नहीं है। शादीशुदा एक्ट्रेसेस भी जो हैं हॉट ड्रेसेस पहन सकती हैं, बोल्ड सीन दे सकती हैं, हॉट अदाएं दिखा सकती हैं और ये जो इस वजह से जो है कहा जा रहा है कि कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ ने यही सब सोचते हुए जो है उन्होंने शादी कर ली, वो हैप्पीली मैरिड भी हैं, दूसरी तरफ बॉलीवुड में अपना करियर भी इंजॉय कर रही हैं।